ऑक्सीजन और रेमडेसिविर क्राइसिस इन इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि हमारी कैपेसिटी अभी जो है वो काफ़ी बढ़ाई गई है ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की, लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की, और उसमें अभी बढ़ोतरी हो रही है। हमारा टारगेट ये है इंडिया का कि 90,000 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें। चैलेंज ये आ रहा है इंडिया में कि वो ट्रांसपोर्टेशन का, कि वो ट्रांसपोर्ट कैसा करेंगे। अभी इसमें एयरफोर्स मदद कर रहा है, इसमें रेलवेज मदद कर रही है। ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म में जब ऑक्सीजन होता है तो उसको स्टोर करने के लिए जो टैंकर होते हैं उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स, और उसकी जो मतलब ठंडाई होती है, कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो होता है -185 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो टैंकर रहता है ना उसको कूलिंग सिस्टम भी लगी रहती है ट्रांसपोर्टेशन में, और वो कूल -185 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है कूल। तो उसको जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से उठा के पेशेंट तक पहुँचाना ये बहुत कठिन काम हो गया है। अभी इसमें जो रेलवेज में टैंकर्स जा रहे हैं, रेलवेज में पूरा टैंकर रोल ऑन कर देते हैं, रोल ऑफ कर देते वहाँ, और फिर टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब हो गया कि टैंकर के रुकना नहीं चाहिए, फटाफट उसको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, मतलब पूरे सिग्नल्स ग्रीन है, पूरा कॉरिडोर जो है वो ग्रीन है, कहीं उसको रुकावटें नहीं आएंगी। इस तरह से उसको वो टैंकर को भेजा जाता है और वहाँ वो काम होता है। तो जल्दी सब तरह से हमको मदद आ रही है, और जल्दी मेरा ऐसा विश्वास है कि 8-10 दिनों में ये ऑक्सीजन क्राइसिस हमारा ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगा। मगर भी चैलेंज ये है कि भी ऑक्सीजन लोगों को बाद में भी लग सकता है, अच्छा होने के बाद में भी लग सकता है, वो घर में जाने के बाद में लग सकता है, जब वो ऑफिस में जाएंगे तभी लग सकता है। तो हो सकता है कि आगे हमको ऑक्सीजन हब तैयार करने में चौक चौक पे लोग जाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे और काम पे निकल जाएंगे, बीच में ऑक्सीजन लेना काम पे लग जाना, मतलब ऐसा भी हो सकता है यदि लोगों को ऑक्सीजन कम पड़ता है और फेफड़े कमजोर हो गए तो। हवा में नाइट्रोजन है 71% और ऑक्सीजन है 21%, 21% है, और 71% जो है वो नाइट्रोजन है। तो अभी हम जब इनहेल करते हैं हमको 21% ही काफ़ी है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं 21% छोड़ते हैं तो 16% छोड़ते हैं, बीच में जो है 4-5% वो काम में आता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन का वो कोविड में ड्रॉप होता है। कोविड का पेशेंट जो है उसको 16% से काम चलता नहीं है, उसके फेफड़े कमजोर होते हैं, 16% में उसका काम ही चलता नहीं, उसको लगता है पूरा 100% ऑक्सीजन। तो 100% ऑक्सीजन उसको लेने की जरूरत होती है और वो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा मिलता है, इसलिए सिलेंडर का महत्व है, ऑक्सीजन का महत्व है। अभी क्या है कि हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। यदि किसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बुखार है, खांसी है, थोड़ा वीकनेस है, तो उसने तुरंत अपना SpO2 चेक करना चाहिए। सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन SpO2, तो SpO2 चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी SpO2 ये 94 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 91 और 94 के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, मगर केयर लेने की जरूरत है। केयर क्या लेना है कि भाई सुबह शाम प्रॉप्ट पोजिशन में रखना है, मतलब ये भाग जो है आधा ऊपर का भाग वो ऐसा ऊपर करना है और पैर का भाग जो है वो नीचे करके सोना है, उसको बोलते हैं प्रॉप्ट पोजिशन। और दूसरा है प्रोन पोजिशन, मतलब उल्टा पेट के ऊपर सोने का है, सीने के नीचे तकिया रखना है। तो ये पोजीशन में होता क्या है कि जो काम हमारे फेफड़े अदरवाइज करते नहीं है वो फेफड़ों का हिस्सा काम में लग जाता है। तो इसलिए प्रोन पोजीशन आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को वो रखते हैं तो काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना, यदि बुखार बिखार नहीं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छी, बॉइल्ड एग्स, दूध, बॉइल्ड एग्स नहीं चलते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट जैसा चीज़ और पनीर ये ले सकते हैं, और साथ साथ विटामिन सी, विटामिन मतलब जिंक ये लेते हैं तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। रेमडेसिविर का जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो ऐसा है कि हर एक को रेमडेसिविर चाहिए। देखो रेमडेसिविर बहुत आगे स्टेज जब होती है कोरोना की उसमें काम नहीं करता, रेमडेसिविर काम कब करेगा, अर्ली स्टेज में काम करेगा। रेमडेसिविर का बहुत कालाबाजार हो रहा है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने रैशनिंग शुरू कर दी है, गवर्नमेंट के पास में इंडेंट देना पड़ता है, रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट अलॉट कर दे कि कौन से मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा। रेमडेसिविर का स्टॉक रखो, खाली एम्प्यूल्स रखो, उसका बॉक्स भी रखो, उसका रिपोर्ट बराबर गवर्नमेंट को जाना चाहिए, पेशेंट की सही वो देने के समय फोटो निकालो,
इतना काम लग गया है डॉक्टर लोगों के पीछे रेमडेसिविर के डिपार्टमेंट में कि डॉक्टर लोगों ने भी सवाल हो गया कि उन्होंने क्लरिकल काम करना है कि डॉक्टर का काम करना है। डॉक्टर लोग ऐसे तंग आ गए, मगर करते क्या है, कोई इलाज नहीं है, सफ़ेद के काले कागज़ करने में डॉक्टरों का बहुत टाइम जा रहा है इसमें, और रेमडेसिविर के कुछ डॉक्टर लोगों ने गड़बड़ कर लिया, कुछ पेशेंट लोगों ने गड़बड़ कर लिया, कुछ डॉक्टरों के स्टाफ लोगों ने गड़बड़ कर लिया, मगर इसके वजह से बाकी सबको तकलीफ अभी हो रही है। तो ये डॉक्टरों की गलती है, और सरकार ऑफिसर जो आ रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स, वो भी बहुत टाइम ले रहे हैं इसके पीछे डॉक्टर लोगों का, और डॉक्टरों का क्लिनिकल टाइम भी बहुत बढ़ गया है। हालांकि ठीक है, ये भी रेमडेसिविर का भी ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और इसमें यदि लाइन पे लग गया बराबर और काफ़ी स्टॉक आ गया तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। अभी सवाल आता है खुद के प्रोटेक्शन का, 15 से 20 मई तक ये लहर निकल जाएंगी, और तब तक हमने अपने आप को सेफ रखना है। क्यों? क्योंकि अभी 20 मई के पहले आप यदि होते हैं ना बीमार और कोरोना आपको होता है ना, तो बेड्स की बहुत प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है, इंजेक्शन की प्रॉब्लम है, तो 20 मई तक तो भी आपको कोरोना नहीं होना चाहिए। देखो, अपने आप को तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, खाना अच्छा खाओ, एक्सरसाइज रेगुलर करो, और डरने का नहीं। जितना डरेगा, जितना डर कोरोना का है ना, उतना ज़्यादा तकलीफ होने की संभावना है, क्योंकि डरते हो इम्यूनिटी लो हो जाती है और कोरोना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।